गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको सिलाई के प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्लाउज। पहले मैंने छोटा झबला बता दिया आपको और बड़ा झबला बाहों वाला, दो मैंने आपको बता दिए। और आज का जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे और कपड़ा सिलना जो सीखेंगे वो है ब्लाउज। और ब्लाउज के लिए हमको करीब करीब 1.25 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर कपड़ा तो चाहिए ही। और अगर हम आराम से अगर इसकी पट्टियाँ और गले की पट्टियाँ और ये इजीली अपन सीख रहे हैं और उस समय हमको जोड़ तोड़ नहीं आता है तो हम 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर कपड़ा भी लेके और एक बार सीखने के लिए बना सकते हैं। बाकी 80 सेंटीमीटर में एक ब्लाउज आराम से बन जाता है। जिस जो कपड़े जो ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा पहनते हैं, जैसे ये 15 इंच है, जो 16 इंच पहनते हैं या 17 इंच पहनते हैं या फिर जो थोड़े मोटे होते हैं तो वो लंबाई में थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसलिए उनको 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर भी चाहिए होता है। या फिर जो बाहें, ये बहुत नॉर्मल सी बाहें हैं 6 इंच वाली, और आजकल बहुत छोटी बाहें भी चल रही है 3 इंच वाली, लेकिन और अगर स्लीवलेस ब्लाउज भी है तो भी 80 सेंटीमीटर चाहिए होता है, क्योंकि ये जो लेंथ होती है पूरी उसमें जोड़ तोड़ नहीं होती है। लेकिन अगर कोई यहाँ तक की बाहें जो है 3/4 बाहें जिसको कहते हैं, अगर इतना पहनेंगे तो 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। कुछ लोग इस जगह थोड़ा सा पफ बना के और थोड़ी ऊंची ऊंची सी जो पहनते हैं उसमें 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। ब्लाउज का जो कपड़ा होता है अमूमन वो हम कॉटन लेते हैं। कॉटन में भी 2x2 रूबिया जो है वो बेस्ट होता है, जिसमें कि बहुत अच्छी इलास्टिसिटी होती है, आराम से पहन सकते हैं, उसमें दम नहीं घुटता, खिंच भी लेता है, फटता भी जल्दी नहीं है, पसीना भी सोख लेता है और बहुत ही इजी होता है। हर धुलाई में वो बिल्कुल फिटिंग वाला जो बना के रखता है कपड़ा 2x2 रूबिया। लेकिन कई बार रंग नहीं मिलने के कारण हम टेरी रूबिया भी लेते हैं। टेरी रूबिया 2x2 रूबिया से थोड़ा सा सस्ता आता है, लेकिन रंग के कारण हम टेरी रूबिया ले तो लेते हैं, लेकिन टेरी रूबिया में उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो जब आप टेरी रूबिया बना रहे हैं तो ये जो नाप है इससे थोड़ा सा बड़ा, आधा इंच या 1 इंच थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि वो इतना फैलता नहीं है। जब हाथ में घुसा रहे हैं या बटन बंद कर रहे हैं तो उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है। और अगर 2x2 रूबिया है तो ये नाप चल जाते हैं। उसके अलावा जब अस्तर वाले कपड़े होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखना होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए। उसके अलावा आजकल वर्क वाले कपड़े आ रहे हैं तो अगर बिल्कुल फिटिंग का होता है तो वो हाथ में और सब जगह बहुत ज़्यादा चुभता है, तो उसको भी थोड़ा बड़ा, वर्क वाला है या फिर कोई ब्रोकेड का है, कोई भी तरह का जो ऐसा कपड़ा होता है भारी वाला, जो हैवी ब्लाउजेज के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से बड़ी साइज के हमको बनाने होते हैं। तो बेसिक जो ब्लाउज है मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिर्फ 1 टक्स बता रही हूँ, इसको हम 4 टक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आज जो मैं अभी बता रही हूँ वो 1 टक्स बता रही हूँ। तो ब्लाउज में सबसे पहले जो लेंथ लेनी होती है, मतलब जो माप लेनी होती है, वो माप होती है सबसे पहले तो लेंथ, जो पूरी लेंथ ब्लाउज की चाहिए होती है हमको बनी हुई, वो है 15 इंच होनी चाहिए। मतलब जो ब्लाउज की लंबाई है वो 15 इंच है। जो चेस्ट, जो छाती का नाप है, किसी का 32, किसी का 34, किसी का 36 इंच होता है, तो हमने इसमें 34 इंच लिया है। जो वेस्ट, जो मतलब जहाँ ब्लाउज ख़त्म हो रहा है उस जगह का जो नाप होता है वेस्ट, वो है 26 इंच। फिर है शोल्डर, मतलब जो कंधे, जहाँ ब्लाउज की बाहें शुरू होती है वहाँ से दूसरी बाहों तक की जो लंबाई होती है वो ही मापते हैं, और वो होती है, और वो पीछे से ही मापी जाती है, आगे से नहीं मापते हैं, तो उसे हम शोल्डर कहते हैं, वो है 14 इंच। और अगर हम हाफ द शोल्डर बोलते हैं जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसको 7 इंच कहते हैं। फिर है एक स्लीव कट, स्लीव कट मतलब जहां तक स्लीव की कट होती है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। और इसमें एक स्केल बना रखा है, एक स्केल का मतलब होता है हाफ द बस्ट मेजरमेंट। बस्ट मतलब कि जो चेस्ट का साइज है, अगर ये 34 है तो ये 17 हो जाएगा,
अगर ये 36 है तो ये 18 हो जाएगा, अगर ये 40 इंच है तो ये 20 हो जाएगा, उसके अनुसार ये स्केल चेंज हो जाता है। तो ये हमको ब्लाउज के जो मेन पोर्शन है उसकी माप चाहिए होती है। जो बाहें होती है उसकी माप अलग होती है। एक होता है स्लीव लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी लंबाई है वो है 6 इंच, और विड्थ मतलब ये जो पूरी गोलाई की जो विड्थ है वो हमको 10.5 इंच का कपड़ा चाहिए। ये दो माप हमको चाहिए। अब हम स्टार्टिंग इसमें इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे मैंने हमेशा से ही बताया है कि यहाँ फोल्ड है, मतलब ये फोल्ड वाला कपड़ा, 4 पीस हैं इसमें और ये इस तरह से रखा हुआ है। तो हम ए बी सी और डी ऐसा एक स्क्वायर, एक आयताकार माप बनाएंगे। ए से बी तक की और सी से डी तक की जो लंबाई है वो हम अलग अलग तरीके से इसमें लेंगे, मतलब 15 इंच है तो हम इसमें 16 इंच जो है वो ले लेंगे, यहाँ और यहाँ ये पूरी 16 इंच डी से सी तक की लंबाई, क्योंकि सिलाई वगैरह में भी चल जाता है, तो ये 16 इंच हम माप ले लेंगे। फिर ए से डी जो होता है और बी से सी जो होता है वो हम चौड़ाई कितनी ले, वो उसकी चौड़ाई के लिए हम माप निकालते हैं। कैसे माप निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 9.5 ई से एफ तक, ई से एफ मतलब ए से डी और वो बराबर ही है, तो कैसे 9.5 निकला, जैसे कि 1/3 स्केल, स्केल कितना है 17, तो 17 का 1/3 अगर अपन बनाएंगे, अगर ये 18 होता तो 6 हो जाता, 17 है तो 5.75, तो 1/3 स्केल, मतलब अगर 36 होगा तो उसका 1/3 क्या होगा, 40 होगा तो उसका 1/3 क्या होगा। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 34 का ही बना सकते हो, आप किसी भी माप का बना सकते हो, उस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये लंबाई तो जो होनी चाहिए, और ये जो चौड़ाई है वो कैसे लेनी है, ये जो स्केल है ये स्केल कैसे बना, जो बस्ट साइज मतलब जो चेस्ट का साइज होता है उसका आधा जो है वो 1 स्केल हो गया। इस स्केल का 1/3 हमने लिया 5.75, उसमें 1 इंच जोड़ दिया, और ई से एफ तक जो है वो 9.5 है और वो है 1/4 चेस्ट, ये जो चेस्ट है इसका 1/4, अगर ये 36 होता तो 9 हो जाता, और 34 है तो 1/4 चेस्ट प्लस 1 तो वो 9.5, मतलब ये जो चीज है ये 9.5 हो जाएगी। ये जो मैं बाद में बता रही हूँ वो है ई से जी, मतलब ई से एफ तो 9.5 हो गया, मतलब जो पूरी चेस्ट की चौड़ाई है पूरी चारों तरफ की उसको 1/4 किया, 1/4 करने के बाद में उसमें 1 इंच जोड़ देते हैं, मतलब एक पोर्शन, दो पोर्शन, पीछे के दो पोर्शन, तो 4 इंच बढ़ जाता है। 4 इंच से आराम से कटिंग भी हो जाती है, सिलाई भी हो जाती है। तो अगर ये 36 होता है तो उसको 9 कर लो, मतलब 1/4, और 9 में 1 जोड़ दो तो वो 10 हो जाता है, तो यहाँ 10 हो जाता, लेकिन ये 34 है तो ये 9.5, मतलब ए से डी जो है वो 9.5। तो ये जो खाका हमने लिया है वो है 9.5 और 16 इंच, ये पूरा हो गया। पूरा होने के बाद में ये ई से जी एक निशान लगाएंगे, ई से जी इस तरह से निशान लगाएंगे कि जो ये स्केल है उसका 1/3 लेके और 1 इंच मिला देते हैं तो 6.75, तो जो भी स्केल होगा उसका 1/3 और 1 इंच। जी क्यों बनाया है हमने, जी इसलिए बनाया है कि हमको बाहों की कटिंग के लिए चाहिए होता है, और ये 6.75 है। और आप यहाँ देखेंगे ऊपर जो है वो डी डैश, ए से डी डैश जो है वो हमने पूरा 7 इंच लिया है, ये भी 7.5 है, ये 7 इंच लिया है। 7 इंच कैसे आया है, हाफ द शोल्डर यहाँ लिखा हुआ है, तो जिसका भी शोल्डर 16 है तो 8, 12 है तो 6, तो ए से डी डैश जो है वो हाफ द शोल्डर, मतलब कंधे का आधा, यहां से यहां तक कंधे का आधा, तो इसका कंधा है 14, तो ये 7 इंच, ठीक है। फिर ए से एच जो गले की चौड़ाई जो हम करेंगे वो होती है 1/6 स्केल की,
अगर ये स्केल 17 है और हम इसका 1/6 करते हैं तो वो होता है करीब 3.5, मतलब 3 इंच के करीब। हम तो यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई होगी वो 6 इंच हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, तो 6 हो जाएगी। तो ए से एच 3 इंच कैसे ली, हमने स्केल का 1/3 लिया। वैसे जब अपन कटिंग करने लग जाते हैं तो वैसे ही पता पड़ जाता है कि हमको 3 इंच लेना है, चौड़ाई 6 इंच हो जाएगी। फिर ए से आई तक जो है वो हमने 4 इंच लिया है आगे की पीछे के कटिंग के लिए। ये चूंकि एक बेसिक मैं कटिंग बता रही हूँ इसलिए पीछे 4 इंच है। आजकल पीछे की जो कटिंग है वो आगे से भी ज़्यादा होती है, आप 9 इंच रख सकते हो, 10 इंच रख सकते हो और मैक्सिमम 11 इंच तक रख सकते हो। उसमें आपके कोई भी मतलब वो भद्दा भी नहीं दिखता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अंदर के कपड़े और ये कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं अगर 11 इंच तक भी हम पीछे का गला रखते हैं। लेकिन हम यहाँ बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक के बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ए से आई हमने 4 इंच रखा है पीछे का गला। फिर ए से जे जो है वो आगे का गला है और आगे का गला जो है वो इससे ज्यादा मतलब 6 इंच के करीब हम रख लेंगे। तो ये तो आगे एच से आई और एच से जे हम मिला देंगे, आगे और पीछे की गले की कटिंग हो गई। और हमने ये कंधे का यहाँ निशान बना दिया और यहां से यहां हमने जी तक 1/3 स्केल और 1 इंच तो 7.5, तो 7 और 7.5 में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम ये यहाँ निशान बना के और इस तरह से, और F हमने बनाया है जो E जो है A से E हमने निशान लगाया है 7 इंच का, क्योंकि 7 इंच जो है वो हमारा स्लीव कट है। ये जो है A से E ये स्लीव कट है और A से E के बराबर ही D से F हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है और यहां से यहां हमने जी लगा लिया। तो यहां अगर हम इस तरह से निशान लगाते हैं तो पीछे की जो बाहों की कटिंग होती है वो तो कम होती है क्योंकि पीछे हम हाथ नहीं जा रहे हैं और खिंचाव होता है तो पीछे कपड़ा चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। और आगे अगर ज्यादा कपड़ा होगा तो यहाँ सल आ जाएगा, इसलिए आगे हम थोड़ी सी ज्यादा, आधा इंच ज्यादा यहाँ से यहाँ आधा इंच निशान लगा के इस तरह से गोल कटिंग ले लेते हैं। तो ये कंधे की, आर्म होल की और आगे और पीछे के गले की कटिंग हो गई, ठीक है। फिर ये जो पूरा है यहाँ से जो कमर का शेप है इसलिए थोड़ा सा सी से सी डैश आधा इंच लेके और ये निशान लगा देना है। और उसके बाद में यहाँ फोल्ड है तो हम यहाँ से यहाँ 3.5 इंच ले लेते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ से यहाँ आप ये देखेंगे कि अगर निप्पल से निप्पल तक की चौड़ाई आप देखेंगे तो 7 इंच के करीब होती है और अगर हम उसका आधा लेते हैं तो 7 इंच 3.5 इंच, तो 7 में 7 का आधा 3.5 हुआ। तो आगे भी 3.5 ही लेंगे और पीछे के जो हमारी स्कैपुला है तो स्कैपुला भी थोड़ी निकली हुई रहती है, तो वो निकली हुई है लेकिन कमर थोड़ी छोटी होती है तो वहाँ एक टक्स, दोनों तरफ टक्स लगाने होते हैं तो शेप आती है। तो 3.5 इंच का एक निशान लगाया। 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद में जो हमने स्लीव कट ई तक लगाया था तो ई से ओ हम 2 इंच एक और निशान लगा देते हैं जो यहाँ से यहाँ करीब 9 इंच तक हो जाता है, वो करीब निप्पल तक आता है, ऊपर से निप्पल तक 9 इंच और निप्पल से निप्पल तक 7 इंच। ये करीब एक नॉर्मल सी एक माप है, उससे हम आराम से कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ई से ओ 2 इंच लिया, पहले 7 और फिर 2 तो 9 इंच हो गया। अब O से O डैश वापस 3.5 ही होगा क्योंकि यहाँ भी 3.5 है तो यहाँ भी 3.5 हो जाएगा। तो जो यहाँ O आ गया तो O के चारों तरफ हमें 1 सेंटीमीटर तक कोई टक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर निप्पल तक पूरा टक्स चला जाएगा तो आपके जो आप सिलाई कर रहे हो उसमें एक कप जो साइज आप बनाना चाह रहे हो, क्योंकि जो बॉडी की शेप है ऊपर थोड़ी बड़ी नीचे छोटी,
तो ऊपर का जो कप अगर आपको बनाना है तो उस जगह हम इतनी जगह तक टक्स नहीं लेते हैं, चार टक्स होते हैं तब भी हम टक्स यहाँ खत्म कर देते हैं, यहाँ खत्म कर देते हैं, यहाँ और यहाँ, जिससे कि एक कप बन जाए और वहाँ एकदम तीखा सा एक सिलाई ना दिखे। तो इस तरह से हमने ये पीछे का बना लिया। और आप यहाँ देख रहे हो कि गला तो हमने आगे की कटिंग कर दी, एक आप ये बेल्ट देख रहे हो, तो कुछ लोग जो बेल्ट वाला बनाते हैं उसमें गले की साइड जो ओपन आगे वाली जो गले वाला जो पार्ट है उस तरफ हम इस ऐसे बेल्ट लगाते हैं कि सेंटर में ऊंचा आता है और पीछे की तरफ इधर जो है वो छोटा आता है। यहाँ 1.5 इंच और यहाँ 3 इंच का निशान लगाएंगे और जो ये हमारा ड्राफ्ट बनेगा उसमें से हम ये पीस काट लेंगे। काटने के बाद में हम इसको टक्स जोड़ने के बाद में वापस जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में फिर जो पट्टी वगैरह लगाते हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरा ब्लॉक बना लिया। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, जो ए से डी, बी से सी, इन सब की जो कटिंग होती है वो जो पीछे वाला जो भाग है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और ये आप देखो कि मैंने 3.5 इंच का निशान लगा रखा है और फिर यहाँ ओ है तो 1 इंच नीचे करीब वो 4.5-5 इंच तक आता है और बिल्कुल पतला, यहाँ 1 सेंटीमीटर का, पीछे की साइड 1 सेंटीमीटर ही लेना है, लेकिन आगे का भाग बड़ा होता है तो आगे जो है वो आराम से हम 1 इंच एक तरफ, 1 इंच तो 2 इंच का जो है वो आराम से अगर हम लेंगे तो ये एक कप साइज बना देता है। तो ये तो पीछे का भाग हो गया और पीछे की जैसे ही आगे का भी हम बनाते हैं। तो इसमें ये इस तरह से, ये गला इधर है तो मैं इस तरह पे बताऊंगी, ये इस तरह से है, ये ऐसे बना हुआ है और ये आगे का है। तो आगे में क्या फर्क है, एक तो हमने गला बड़ा रखा है और जो ये बाहों की जो कटिंग है ये आपको दिख रही है ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये वाली जो है ये पीछे की और ये आगे की और उसके बाद में ये वाला भाग। तो इस तरह से ये दो पार्ट हो जाएंगे, ये आगे की इस तरह से ये इस तरह से हो जाएगा क्योंकि दोनों के गले बड़े हैं और इस तरह से ये आगे का हो जाएगा और अगर हम पीछे का भी खोलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और 3.5 के बाद में ये निशान लगाया और यहाँ टक्स लगा देंगे। अब इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो पीछे की कटिंग करी और यहाँ ये टक्स भर लेंगे इस तरह से करके और टक्स बना देंगे। सेम इसमें भी ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हम इस तरह से करके और टक्स बना देंगे। इसमें टक्स बनाने के बाद में जो हमने ये बेल्ट काटा था इसका, तो ये टक्स बनेगा, टक्स होके छोटा हो जाएगा और फिर हम इसको जोड़ देंगे। पहले ऐसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा भी ऐसा ही हो जाएगा। अब हमने आगे और पीछे के पार्ट फिनिश कर लिए, मतलब टक्स बना के, फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। दोनों को ऊपर से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में ये यहाँ बेल्ट लगी गया, ये बेल्ट लग गया अपना। बेल्ट लगाने के बाद में दोनों तरफ हम एक बढ़ती और एक घटती पट्टी लगा देंगे। पट्टी लग गई, यहाँ से जुड़ गया, फिर उसके बाद में जहाँ पट्टी है वहाँ से लेके और पूरा गला जो है कैसी भी फिनिशिंग कर सकते हैं। मैंने 3 तरह के गले आपको फेसिंग के बताए हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं गला, या फिर मतलब जो उरेबी या पाइपिंग, कैसी भी हम इसमें बना सकते हैं। तो पहले टक्स भरे, फिर बेल्ट लगाया, पीछे भी टक्स भर लिए, फिर ऊपर हमने जोड़ दिया, फिर जोड़ने के बाद में सबसे पहले हम इधर से जोड़ देंगे दोनों को, दोनों को जोड़ दिया, इधर भी जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद में हमको बाहें बनानी होगी, तो और नीचे जो है वो एक पूरी पट्टी बना के और पलटनी है,
ये पोर्शन हो गया। अब जो बाहें हैं उसके लिए हमको क्या करना है कि स्लीव की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 6 इंच है, लेकिन हमने लेंथ के साथ 1 इंच और रखा है पलटने के लिए, तो 7 इंच। और यहाँ फोल्ड है इस जगह, इस तरह से ये जो है ये फोल्ड है यहाँ, तो ये फोल्ड हुआ। तो ए से बी जो है वो है 7 इंच, और ये वाली जो चौड़ाई है वो इसकी जो विड्थ है वो आधी प्लस 1.5 इंच, तो इसकी आधी हुई 5.25, और 5.25 में हमने 1.5 जोड़ दिया तो ये 7.25 के करीब हो गई। तो ये और ये इस तरह से हमने ये चौकोर बना लिया। चौकोर बनाने के बाद में ये जो लंबाई है ए से सी, ये हमने 1/4 स्केल किया। 1/4 स्केल मतलब 17 का 1/4, तो 17 का 1/4 जो है वो 4.25 हो जाता है। ए से सी हमने 4.25 किया, तो ये जो सी है वो ई बन गया यहाँ। और ये इसलिए बनाया है कि अब यहाँ से यू कटिंग, ये पीछे की कटिंग हो गई, ये वाली, ये वाला पार्ट है ना, और फिर ये आगे की, और फिर आगे थोड़ा सा कर्व लेते हो गई, और उसके बाद में ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, क्योंकि आगे का जो बैंड है वो कम होता है, पीछे का ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। इसमें कितनी है, एक तो लंबाई, एक ये चौड़ाई, और उसके बाद यहाँ फोल्ड है, और ये जो है कि ये कितना होना चाहिए, ये बनाने के लिए हमने पहले ए से सी जो है 1/4 स्केल ले लिया, और उसके बाद में ये शेप दे दिया, दोनों शेप, और यहाँ से ऐसे कटिंग कर दी। फिर जब हम इसको देखते हैं तो ये इस तरह से बना हुआ आपको दिख रहा है। अब जब हम बाहें जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है वो हम ये जो हमने पूरा बनाया था ये हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में आगे तुरपन करेंगे, बाद में पहले ये जोड़ा, फिर इसको इससे जोड़ा, और फिर यहाँ तुरपन कर लेंगे और आगे हुक बटन कर लेंगे। तो जो ब्लाउज बना वो कुछ इस तरह से होगा। जो पीछे वाला पार्ट है इसका वो तो कुछ ऐसा है, पीछे का पार्ट इस तरह से है, क्योंकि गला छोटा बनवाया है, और ये जो टक्स हैं वो छोटे टक्स हैं, और फिर आगे के जो ये है वो एक ही टक्स वाला बनाया है, इसमें एक टक्स दिया है, और फिर ये बेल्ट जोड़ दिया, ये जो बेल्ट है ये इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक पोर्शन बन गया ये, और उसी तरह से ये भी एक पूरा पोर्शन बन गया। उसके बाद में हमने बाहें बना के बाहें जोड़ दी, और पट्टी जो है वो एक घटती पट्टी जिसपे हुक होएंगे, और जिस पर आई होती है वो बढ़ती पट्टी, और उसके बाद में बाहों पे और नीचे तुरपन कर लेंगे, और इस तरह से ये पूरा ब्लाउज बन जाएगा। इस तरह से आज जो अभी हमने पढ़ा वो है ब्लाउज, और ब्लाउज के लिए जो कपड़ा लेंगे वो 2x2 रूबिया या पतला कॉटन का लेंगे, और वो करीब 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर से ये बन जाता है। तो इस तरह से ये अगर हमको 34 इंच का चेस्ट नहीं, 36 है तो भी आप कर लोगे, 40 है तो भी कर लोगे, 32 है तो भी कर लोगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ सब जगह स्केल स्केल लिखा है, तो इसका आधा हो जाएगा। हमने जो भी चीज जो है वो चेस्ट के कंपैरिजन में ही लिखी है, तो ये कम या ज्यादा करके ब्लाउज की साइज भी कम और ज्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये ब्लाउज हो गया। थैंक यू।